इतना इतना अद्भुत, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। यही संस्कार हमको हमारे बच्चों को भी दिखाने चाहिए और बहुत मजा आ रहा है। माता रानी का आशीर्वाद है। इतना अच्छा भाई ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है और इतना अच्छा ये क्या बात है। और गणेश जी का दिन है, गणपति जी का दिन चल रहे हैं और माता रानी का नाम जप रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। संजू जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया और बड़ा आनंद आ गया, आत्मा संतुष्ट हो गई आज। सर पंजाब वाली फील आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है यार, पंजाब वाली फील नहीं, हम पंजाब में ही हैं, ये पूरा हिंदुस्तान एक है ना, तो बिल्कुल फील आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और संजय सर के तो परिवार के ऊपर है ही इतना आशीर्वाद है, वैसे ही सारे जो जितने लोग देख रहे हैं सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे माता रानी। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? सॉरी सॉरी, ब्रिलियंट एक्टर, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है कि इंसान सबसे अच्छा है, यार दोस्ती के लिए सबसे पहले खड़ा है और आने वाला हमारी बिल्डिंग है सबसे पहले स्टार है भाई। थैंक यू मेरा दिल जी कह रहा है। कोई तो आपने मन्नत रखी होगी और क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं माता जी गणपति के बारे में? क्या सबसे बड़ा ये कि जितने भी अपने खास हैं माता रानी को तरक्की बख्शे, उनका नाम रोशन हो और आने वाली जो हम संस्कार भूलते जा रहे हैं उसको सबको याद दिलाना चाहिए और करना चाहिए। सर को लेकर कोई सर की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं सर की, बहुत सारे प्लान चल रहे हैं पर आज वो दिन नहीं है बात करने का, आज माता रानी का दिन है। जय माता दी। भाई चाहिए, अरे कुछ बुलाओ भी परिवार, सुखी परिवार। बोलो जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। देखो जी सब तो गल है संतु साहब दी, मैं इन्हां दा काफी टाइम तो जुड़िया, पहले तो मैं अपने बारे दसदा, मैं म्यूजिक डायरेक्टर है जी गुरमीत सिंह, लौंग लाची गाना जिन्ना जिन्ना ने सुनिया वो इदा का गाना सी लौंग लाची गाना जिहड़ा कि पहली बारी एशिया च बिलियन च पहुंचा। सो उहदे मुतालक मैं गल कर रहा हाँ, संधु साहब की पिक्चर भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं इन्हें, तो इन्होंने जोड़ा उपराला कराया जोड़ा सा जागरण इतने सिमरन भारद्वाज इन्होंने भी इतने एक भेट का अपना गाया इन्होंने, तो बहुत सारे इन्होंने भी लौंग लाची टू च इन्हों का पार्ट रहा,
बहुत अच्छा इन्हों का मतलब गाना इन्होंने मतलब अपनी इंडस्ट्री दिता। सो लेकिन जो जागरण का काम है सख्त महामाई का माता जी का जोड़ा काम है वो असं सारे पहुंचे हूम आके पहुंचे हैं। बहुत सारिया हस्तियां होर भी पहुंचिया जिड़िया फिल्म इंडस्ट्री दिया ने जिड़िया सीरियल तो जुड़िया उन्होंने सारे का वेलकम है जी। तो साढ़े वालों इन्नी हाजिरी प्रवान करो। जय माता दी। आप लोग क्या कहना चाहोगे? सो माई सेल्फ जुगनू इशिकी एंड मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट इन जमशेदपुर। आई एम अ सिंगर एक्टर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। मेरा लास्ट सिंगल था क्यूटी पाई विद जी और मैं सिंगर भी हूँ मैं एक्टर भी हूँ। मेरी मूवी अम्मा की बोली एज एन एक्टर भी और मैं यहाँ के बहुत आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज विक्रम सर हैज इन्वाइटेड अस विद सो मच लव एंड अफेक्शन और आई थिंक दिस इज माई ऑफिशियल फर्स्ट जगराता। थैंक यू सो मच। और आप इनके साथ मैं काफ़ी सॉन्ग्स कर रही हूँ एज अ सिंगर ऑल्सो एक्टर ऑल्सो इनकी मूवी में भी काम कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि ये ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं कतले आम। अच्छा सॉरी नहीं कर लो। और तो इट्स अमेजिंग एंड आई कांट वेट टू वर्क विद विक्रम सर। बहुत जल्दी 30 तारीख के आसपास किया एक और 30 के बीच में हम लोग बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं फिल्म का दिल्ली के अंदर जो आप सबके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है कोई चलाएगा कोई नहीं चलाएगा डायरेक्टर गुन्नी जी ही है उसमें आई आई हाँ हाँ चल रहे सर सबका चल रहा है। हाँ 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 माता जी के लिए पंजाब से आए नहीं मैं दिल्ली से। अगर आप लोग ने पीछे कौन सारे का मना नहीं पहले तो गा वॉइस था अब तो पंजाब के गाने हो रहे हैं काफी सारे गुरमीत जी की वजह से। गुरमीत जी आए मैं गुरमीत जी के साथ काम कर रही हूँ म्यूजिक डायरेक्टर उनकी वजह से एक लॉन्ग लची टू और काफी पिक्चरों में गाने मेरे आ रहे हैं। और रही बात पप्पा की तो पप्पा की वजह से ही ये सारा काम हो रहा है माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैं ये सिर्फ यही बोलूंगी और गुड़िया के साथ बोलूंगी गणपति पप्पा मंगल मूर्ति थैंक यू गणपति बाप्पा मोरिया। मैं हूँ आप सबकी उल्का गुप्ता। आप सबने मुझे झांसी की रानी की तरफ भी देखा है और हाल फिलहाल में बनी चाओ सिम्बा साउथ में भी रुद्रमा देवी फिल्म में देखा है। और मुझे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी विक्रम जी से मैं आज से पहले 6-7 साल पहले मिली थी और तब भी उन्होंने मेरे साथ हम एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट करने वाले थे बट उन्होंने तब भी मेरे अंदर वो स्टार पहचाना था और आई वॉज ऑलवेज वेटिंग कि मैं कब इनके साथ वापस कोलैबोरेट करूँ या कुछ करूँगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा मन रहा है। हमने जब डिसाइड किया कि वी वांट टू स्टार्ट ऑन सम प्रोजेक्ट जो आप सबके लिए सरप्राइज रहेगा सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज मेरे लिए बहुत अच्छा ये दिन है कि इन्होंने मुझे इतने प्यार से माता की जगराता और गणेश जी के पंडल पर बुलाया है और इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सो धन्यवाद एंड जस्ट विश अस लक। हम जो भी प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं उसे आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी। मेरा नाम है अमीशा सिन्हा। सो मैं सर से मिली उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो आप लोग के लिए सरप्राइज है एंड बॉम्बे इज़ ऑल अबाउट मीटिंग द राइट पीपल जो कि फैमिली की तरह फील करा है। सो ये मेरा पहला जगराता था एंड आई कैन टेल यू कि मुझे इतना होमली कभी फील नहीं हुआ है। सो आई एम सो थैंकफुल टू सर एंड जय माता दी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल नमस्ते। मेरा नाम जूही पाल है और आज सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी जय माता दी और गणपति बप्पा मोरिया। मैं बहुत खुश हूँ कि विक्रम सर ने मुझे इनवाइट किया है माता की चौकी में और जल्दी हम साथ काम करने वाले हैं तो माता का आशीर्वाद हम सब पर है और बस आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच। और आप मेरा नाम स्वाति कोठारी है और मैं मिस इंडिया एलीट रही हूँ 2018 और थैंक यू विक्रम जी उन्होंने माता की चौकी पे इनवाइट किया बहुत अच्छे दर्शन हुए और गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है जगराता में? बट आई ऑलवेज फेल्ट इट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड विक्रम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं उन्होंने इनवाइट किया है तो आना ही था। थैंक यू सो मच। माता रानी के लिए तो हम आते ही हैं हर जगह बट विक्रम जी ने बहुत अच्छा मैंने माता को माता की दरबार में बुलाया है। मैंने माता को माता के दरबार में बुलाया है। मैंने किरदार प्ले किया है वो लेकिन हमारे दो ही माता है ना।
I'm glad everybody loved the work. आपने बहुत शानदार सेटअप किया है विक्रम जी, एंड रियली कमांडेबल, बहुत सुंदर पप्पा बिठाए हैं आप देख सकते हैं, एंड माता रानी ब्यूटिफुल, थैंक यू। मेरे पास बहुत पैसा है, वो बॉम्बे आ जाए, यहाँ पर 4 BHK फ्लैट वाला साइकिल लेके चला होता है ना, पता नहीं चलता कौन अमीर कौन गरीब है। और मुंबई के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, कहते जब तक फिल्मों में स्मगलर और बाहर स्ट्रगलर रहेंगे ना समंदर में, तब तक पानी रहेगा। और संघर्ष चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है। और माँ के चरणों में ये विनती है कि किसी का संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बाद फिर उतार है ना। आपको मैं बता दिया इसलिए बातें कि मैं सियानी सियानी बातें भी कर लेता हूँ, ऐसे में समझना आपको, मैं पढ़ा लिखा कॉमेडियन हूँ। और मुंबई के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि यहाँ 5 रुपए में भी आदमी खाना खा लेता है, 50,000 में भी खाता है। यहाँ पर खाने के लिए कितनी वैरायटी सड़कों में देखो, खाने के लिए पानी पूरी होती है, सेब पूरी होती है, भेल पूरी होती है, लेकिन किसी की नींद पूरी नहीं होती, सबको बस यही टेंशन रहती है। तो आज इस माहौल में मैं, क्योंकि संधू भाजी और गौतम भाजी को मैं बधाई दूंगा पूरी सोसाइटी जिन्होंने भी ये जागरण का आयोजन किया है, क्योंकि ये इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है, ये मौके नहीं मिलते अभी बैठने के। पहले टाइम में मोहल्लों में जब VCR का टाइम था, हम सब नॉर्थ से ईस्ट से कहीं भी आए हैं, सबने समय दूरदर्शन वाला टाइम देखा, जब एक TV होता था और देखने वाले कितने लोग। आज मोबाइल ने सबको अलग कर दिया है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी रिश्तों में दरार आ गई, बंदा सिकुड़ गया। अभी मुझे वो टाइम याद आ गया जब